गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल होंगे और अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण पार्ट 3 को पढ़ेंगे, जो पार्ट का नाम है शब्द विचार। बच्चों, इसमें लिखा है कि आपने पहले पार्ट में जाना कि वर्ण क्या है। हम लोग इसके पहले पार्ट 2 में वर्ण विचार पढ़े थे, जिसमें वर्ण के बारे में हम लोग पढ़े थे कि वर्ण क्या है। वर्णों को आपस में मिलाने से शब्द बनते हैं। हम बोलते समय शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये शब्द कुछ और नहीं, बस वर्णों के समूह हैं। लेकिन क्या केवल वर्णों के समूह को शब्द कहा जा सकता है? जैसे मल ताहज अस्कतपु, क्या ऊपर लिखे वर्णों के समूह शब्द हैं? नहीं, ये शब्द नहीं है, क्योंकि इनका कोई अर्थ ही नहीं है। शब्द वर्णों का ऐसा समूह होता है जिसका कोई अर्थ होता है। जो भी शब्द हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं, उस शब्दों का कुछ मीनिंग होना चाहिए, कुछ अर्थ होना चाहिए। यदि ऊपर दिए गए वर्णों का क्रम बदल दिया जाए और उन्हें नीचे लिखे रूप में लिखा या बोला जाए, तो इन्हें शब्द कहा जा सकता है। जैसे ताजमहल और पुस्तक, वर्णों का सार्थक और स्वतंत्र समूह शब्द कहलाता है। भाषा में कभी कभी सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्द भी होते हैं, अर्थात जिसका कोई अर्थ ना हो। जैसे चाय वाय, अगर हम लोग कोई कभी कभी वर्ड बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, तो उसमें कुछ उटपटांग बोल देते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। जैसे यहाँ लिखा है चाय वाय, खाना वाना, इस प्रकार के वाय और वाना जैसे शब्दों का आम बोलचाल में लोग प्रयोग कर देते हैं। व्याकरण की दृष्टि से ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जो केवल ध्वन्यास्तनक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। शब्दों के भेद, यहाँ पे दिया है शब्दों के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं? इसके 4 भेद होते हैं। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। हिंदी भाषा की जननी मूलतः संस्कृत है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा की जननी मूलतः संस्कृत है, परंतु समय के साथ साथ भाषा में कुछ शब्दों के रूप बदलते रहते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषाओं से आकर उसमें शामिल होते रहते हैं और कुछ समय बाद उसी भाषा का हिस्सा बन जाते हैं। शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर इनके भी 4 भेद होते हैं। जैसे पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी। पहला तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए और प्रयोग में आने लगे, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि संस्कृत में भी वही भाषा और हिंदी में भी वही भाषा है। जैसे कर्म, दुग्ध, वधु, ग्राम आदि। दूसरा है तद्भव शब्द, वे शब्द जो संस्कृत के शब्दों से बदलकर बने और हिंदी में प्रचलित हुए, यानी कि संस्कृत से शब्द से बदलकर वो हिंदी में आए, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे काम, दूध, बहु, गांव आदि। तीसरा है देशज शब्द, हमारे देश में अनेक भाषाएं तथा बोलियां हैं। हिंदी में जो शब्द दूसरी बोलियों या लोक भाषाओं से आए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे थैला, जूता, गाड़ी, रोटी आदि। चौथा है विदेशी शब्द, हिंदी में अनेक शब्द उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, पुर्तगाली आदि अन्य भाषाओं से आए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे मोटर, टेलीफोन, रेडियो आदि, ये सब शब्द जो हैं वो विदेशी हो। अब हम लोग पढ़ेंगे तत्सम तद्भव शब्द, यानी कि तत्सम शब्द क्या है और तद्भव शब्द क्या है। तत्सम शब्द जो होता है वो संस्कृत भाषा होता है, और तद्भव का अर्थ होता है जो हिंदी भाषा संस्कृत से बदलकर हिंदी में आए हैं। तत्सम में है पत्र, तद्भव पत्ता, मस्तक माथा, पुष्प फूल, कपाट किवाड़, आश्रय आसरा, अश्रु आंसू, धैर्य धीरज, ताम्र तांबा, चंद्र चांद, दंड दंडा, दुर्बल दुबला, मुक्ता मोती, जंघा जांग, अग्नि आग, अंगुली उंगली, गृह घर, जिह्वा जीव, आम्र आम, घृत घी, हस्ती हाथी, कूप कुआं, नृत्य नाच, शाक साग, पिपासा प्यास, उच्च ऊंचा,
अर्ध आधा वर्षा बरखा कोकिला कोयल कर्ण कान सूत्र सूत श्रृंगार सिंगार रात्रि रात कार्य काज कर्म काम चूर्ण चूरण दधि दही छिद्र छेद सत्य सच सतौर सौ। ये सब शब्द जो हैं वो तत्सम से बदल के यानी कि संस्कृत भाषा से बदल के तद्भव शब्द हिंदी भाषा में ये गए हैं। इसी को हम लोग तत्सम से तद्भव शब्द कहते हैं। आज के लिए हम ये पाठ समाप्त करते हैं। अगले पाठ के लिए हम लोग अगले पढ़ने के लिए अगले चीज़ों को हम लोग अगले पाठ में पढ़ेंगे।